का शीर्षक है साकल। अब बजती नहीं साकल, अब बजती नहीं साकल, बजाने के ढंग से पता चल जाता था कौन है, बजाने के ढंग से पता चल जाता था कौन है, हड़बड़ाहट में बजाई गई है साकल, या फिर जोर से बजाने वाला कौन हो सकता है, घर का कोई आदमी, कोई अनजान, या फिर डाकिया। साकल बजाने वाला भी पढ़ सकता था दरवाजे के उस पार से आने वाली पदचाप, साकल बजाने वाला भी पढ़ सकता था दरवाजे के उस पार से आने वाली पदचाप, अनुमान लगा सकता था कौन आ रहा है द्वार खोलने। रात में बजने का एक अर्थ होता था, रात में बजने का एक अर्थ होता था और तड़के बजने का कोई और। साकल बताती थी किसी अतिथि के आगमन की सूचना या कोई अमंगल संदेश। साकल अपने आप में पूरा संवाद थी, साकल अपने आप में पूरा संवाद थी, वो टकराती थी दरवाजे से मगर बजती थी मन के अंदर, संदेशवाहक थी बजाने और सुनने वाले के बीच। हर बार एक ही तरह से बजने वाली कॉल बेल, हर बार एक ही तरह से बजने वाली कॉल बेल महज एक सूचना है किसी के आने की।